किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने वर्चुअली हरदा जिला मुख्यालय के महिला थाने का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश के समस्त जिला मुख्यालयों पर महिला थाने खोले जाने पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का आभार व्यक्त किया। महिला थाने का उद्घाटन करते हुए कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि महिला थाना खुल जाने से महिलाएं बेझिझक अपराधों को लेकर शिकायत कर सकेंगी। बहनों की सुरक्षा बहनों के हाथ होने से निश्चित ही महिला अपराधों में कमी आएगी। कमल पटेल ने अपने वर्चुअल संबोधन में कहा कि सरकार द्वारा जिलों में महिला थानों का खोला जाना महिला सशक्तिकरण का एक सशक्त उदाहरण है। उन्होंने कहा कि हरदा में महिला थाने के प्रारंभ हो जाने से जिले में महिलाओं के विरुद्ध घटित होने वाले अपराधों पर नियंत्रण और महिला सुरक्षा में मदद मिलेगी। ऐतिहासिक दिन है कि आज हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में हमारे गृह मंत्री माननीय नरोत्तम मिश्रा जी के प्रयासों से संपूर्ण प्रदेश में 52 जिले हैं। इन 52 जिलों में से अभी तक 10 जिलों में महिला थाने थे, लेकिन आज एक साथ 42 जिलों में महिला थाना के शुभारंभ हो रहे हैं। इसलिए आज का दिन मध्य प्रदेश के लिए भी और हरदा के लिए भी ऐतिहासिक दिन है कि हरदा में भी महिला थाने का शुभारंभ हुआ है, जिसमें हमारी मातृशक्ति, हमारी बहनें, हमारी बेटियां ये सुरक्षित रहें। अगर इन पे कहीं कोई अन्याय होता है, अत्याचार होता है, तो हमारी माताएं, बहनें, बेटियां इस महिला थाने में आकर अपनी पीड़ा बता सकती हैं, शिकायत कर सकती है और त्वरित उन पर कार्रवाई होगी और इस प्रकार महिलाओं पर होने वाले अपराध में कमी आएगी और महिलाओं को सुरक्षा मिलेगी। मैं माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का, माननीय गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी का, हरदा जिले की जनता की ओर से, विशेष करके मातृशक्ति बहनें और बेटियों की ओर से धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।